सुने तो थे कि यहाँ गोपीनाथ थे, खिरचोर किए थे, उनका नाम खिरचोर हरी खिरचोर कहाँ है। तो उन्होंने बोले मैं मुझे दर्शन होना चाहिए, जिसको हमारा परंपरा में स्वयं महाप्रभु दर्शन किए, माधवपुर दर्शन किए, प्रकट किए, इतने सुंदर लीला के वही कहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जा करके ढूंढे, जब नहीं मिला वो उपवास करके बैठने लगे, अनशन करके बैठने लगे दर्शन। तो कुछ देर के बाद फिर उनको सपना बन गया कि मैं तो इधर ही हूँ, तो देख नहीं रहा किधर ही हूँ, हम इधर ही हूँ, लेकिन लोग मुझे देवी करके पूछ रहे हैं। वही हाट में जा थोड़ी सी पैसे बन गई, हाँ देवी करके पूछ रहे हैं। अब मैं तो गोपीनाथ हूँ, लेकिन मूर्खों को क्या पता, मुझे सिंदूर लेकर देवी करके पूछ रहे हैं। अच्छा तो बोले लेकिन मैं तो दसना उधार को गए जाके लोग आने, क्योंकि गाँव वाले सब उनके शत्रु बने गए। अरे आ गए कहाँ से, बाबा जी आ गए, ये हमारे ग्राम देवती है, उनका हमसे बलि चढ़ाते हैं, ये करते तुमके साथ। तो बोला देवती नहीं है वो, तो विष्णु भगवान है। कैसे बोलते विष्णु भगवान, अरे हमारे पूर्व पुरुष से हाँ जमाना से पूजा करके आए, आप बोलते हैं सर नहीं ना। तो बड़ा उनका कंटेस्ट हुआ, सब बारह निशा बोला आस पास गाँव से सब बड़े बड़े भक्त लोग, सब गाँव हजार लोग इकट्ठा हुए, बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। बोले कि देखो कि बाबा जी आए, बोलते हैं कि आप देवी को बोलता है, हमारा कई पूर्व पुरुष से देवी पूजा कर कितने बड़े चढ़ाते हैं, बोलते हैं कि विष्णु भगवान, कैसे विष्णु भगवान क्या प्रमाण करेगा। तो दोनों के चैलेंज हुआ सबका सामने, बोले वो बोला कि अच्छा अगर मैं प्रमाणित कर दूंगा विष्णु करके, बोले ठीक है बात, अगर आप नहीं प्रमाणित करेंगे तो हम, ऐसे कुछ चैलेंज कंडीशन हुआ। तो सबका सामने बोले ठीक है, जो आप सिंदूर प्रलय थे उनका हम निकालेंगे, हाँ देवी जी का शरीर से निकालेगा, उनका शरीर है ठीक है, अगर देवी होंगे तभी तो मुझे साफ लगेगा, हाँ तो फिर मर जाएगा ये ना, मुझे जो दंड दे मुझे तैयार होने के लिए, लेकिन ये प्रलय घटाना पड़ेगा। तो बड़े मुश्किल से सब राजी हुए, बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए ठीक है। तब फिर उनको सबका सामने उन्होंने जाके निकाला, कई कपड़े वर्ष डाल के रखे थे, बहुत निकाल निकाले निकाल करके सबके सामने दुला देखने लगे। तब निकला तो घर ये कौन सा देवी है, तब सबके सामने बाप रे भगवान, उनको हम देवी करके पूछते थे तो देवी नहीं करते, तब उनको धार करके लाए, ये जो मंदिर है हम ही देखते हैं, रसिका उनको बना मंदिर बना करके फिर सब। फिर उन्होंने
बड़े जो ऐसे लिखे, फिर जो जयपुर में जो सभा हुआ था वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो मैन थे, उनको बुला दिए, उनको जा नहीं पाए इसलिए हो गए जयपुर में वहाँ से। प्रदूषण बहुत बात के हैं, बहुत कई 500 साल में प्रदूषण होगा। सिद्धर्थ स्वामी के सभी हैं दर्शन जो आदि टीका का है ना, वहाँ पर उसे और पहले तो ये हजार साल पहले बालेश्वर वही रहो ना, बस मयूर ग्राम है, सेम विलेज हाँ सेम वही पास में मयूर पाराड़ी मयूर ग्राम अभी भी है दर्शन कर पाठ पढ़ी है। उनको तो ऐसे कहते हैं सिद्धर्थ स्वामी का तो पता नहीं, उनका फादर मदर का तुम लोग सन्यासी थे उनके और टीका कर नाम दिया उनको। जब वो व्यस्त थे तो एक दिन वो सोचते थे जाने के लिए, बोलते मैं सन्यास करके चला जाऊंगा छोड़कर, लेकिन ऐसे सुजोग नहीं होता था। तो जिन्होंने डिसाइड किए जाने के लिए सोची कि मैं कल चला जाऊंगा, मन डिसाइड कर कल किसी घर में छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसी दिन उनका पत्नी गर्भवती थी, वो उस दिन एक संतान प्रसव किया और मर गया, पत्नी का ध्यान हो गया और सत्यजात शिशु है। तो सिद्धर्थ स्वामी डिसाइड करे थे आज मैं घर छोड़ के जाऊंगा, अब किस जाऊँगा तो सोचे बैठे और क्या सोच रहे थे। तो उनका जो गाँव में ओडिशा होता ना वो टच हाउस का होता है, चाड़ा घर हो, चाड़ा चिटपिटे चिटपिटे पड़ता था सामने, चिटपिट पड़ लगता चिटपिटे बड़ी कुमारी गला से तार चिटपिट अंडा से अंडा का फटी गला तार गोटे छोटे चिटपिट सब तार की ऐसे चिटपिट से मैं देख के आ गोटे तार से मैंने पकड़ लिया तो तक एक संख्या ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଜେ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେଲେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଲୋକେଶ୍ୱର ନା ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚାଳ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଟା Siddharth Swami, when he was thinking to leave the house, he decided that today I will leave. So that day, he planned that definitely I will go. So that day, morning he was ready to go, then his wife was pregnant and she gave birth on child and she died. So now Siddharth Swami is thinking how to do. In this case, how can I go? So he was thinking like that, then one, how do you say, lizard fell down from the roof, she died, and one of the lizard's egg broke down, and the baby lizard came out and started walking, and the baby lizard ate one insect. Then she was inside, she said, see, how he is alone, all alone, nobody is there. And she got his food and is maintaining himself. So I am thinking that if I am not here, then so by seeing this incident, there is something that dead wife lying down in his doorstep and the newly born baby left everything and went out. Jumped to Banaras and the Krishna Dasa stayed there. After a long, long time, what happened once, she went to Puri and he saw his son. Yeah, he will recognize. But his son was taken by the US Pandit, Raj Pandit there in Puri. Jiske Bhagwan rakhenge, usko kya karenge? Bachang chhod ke chale gaye, ro raha tha, kisi ne unko uthaya, wo ja kar Raj, log ja rahe the, unko diya, to Raja ne utha ke liya, lekar unko pala pahan ke rakha, ke dekhe ki wo, bahut vidwan ladka hai, padhne laga, bahut dino padhne laga, Raj Pandit hota hai. इसका कोई नहीं, नो फादर नो मदर नो बड़ी,
ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾನ ಶರೀರ